हे गाइस हाउ आर यू। होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम एक फैंटास्टिक टॉपिक पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके 70 लाख की पैकेज कैसे मिल गई और कैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके लोग प्राइवेट इंडस्ट्री में हाई पेड सैलरी जॉब ले रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, करेडा चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई कर रहे हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, इस बार का जो प्लेसमेंट है IIT का, वो कहीं ना कहीं अपने आप में सरप्राइज है। हम लोग सुनते हैं कंप्यूटर साइंस से मिल गया, मैकेनिकल से मिल गया, सिविल से मिल गया, लेकिन इलेक्ट्रिकल से इतनी बड़ी पैकेज ना बहुत कम ही होती है। एक दो IITian से भी मैंने बात किया, एक दो IIT के स्टूडेंट से भी बात हुआ, तो वो मेरे को ये बोल रहे थे भैया CS और इलेक्ट्रिकल में प्लेसमेंट है IIT में और इलेक्ट्रिकल से अच्छी खासी जॉब मिल रही है, हाई पेड सैलरी जॉब मिल रही है, तो उसका रीजन क्या है, क्यों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिमांड इतनी बढ़ी, क्यों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इतने ज्यादा हाई पेड सैलरी जॉब पे जा रहे हैं, क्या प्राइवेट इंडस्ट्री में एक नया बदलाव चल रहा है, क्या प्राइवेट इंडस्ट्री एक नए दौर से गुजार रही है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, तो इस पूरे वीडियो में इस पे भी डिस्कस होगा। देखो गाइस, अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें ना, तो चाहे आप पॉलिटेक्निक हो, BTech हो, IIT से हो, NIT से हो, या अच्छे कॉलेज से हो, प्राइवेट संस्था से हो, अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटी से हो, वो भी बहुत मैटर रखता है। तो हुआ सिनेरियो ये है गाइस ना, कि जब आप इलेक्ट्रिकल से पढ़ाई कर रहे हो ना, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट, ये इलॉन भैया ने एकदम ईवी की मार्केट को भूचाल ला दिया है। ईवी मतलब नेक्स्ट लेवल की चीज ला दी है। ईवी को कैसे लेकर के जाना है, ईवी को कैसे मैनिपुलेट करना है, ईवी को कैसे आगे लेकर के जाना है, ये सारा इलॉन भैया का काम है। टेस्ला जो उनकी कंपनी है, टेस्ला ने ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को करोड़ों का भी पैकेज ऑफर किया है, करोड़ों का पैकेज भी दिया है। तो आप ये सोच सकते हो, टेस्ला जैसी कंपनी अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को सपोर्ट कर सकती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इतना हाईब्रिड जॉब दे सकती है, तो आप क्यों नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। इंडिया में क्या है ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, इंडिया में माइंडसेट क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब सरकारी नौकरी, इलेक्ट्रिकल मतलब सरकारी नौकरी, इससे ज्यादा नहीं सोचते लोग, इससे ज्यादा नहीं करना चाहते हैं। तो गाइज अपना ब्रेन आप ओपन करिए, अपना माइंडसेट ओपन करिए, और ये माइंडसेट ओपन करके आपको अपने करियर को स्टेप बाय स्टेप लेकर के आगे जाना पड़ेगा। जब तक अपना माइंडसेट ओपन नहीं करेंगे, चीजें जो सही है, चीजें क्या गलत है, चीजें किस तरह से हो रही है, सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है, अगर आप अपने स्किल पे काम करोगे, जो स्किल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए, चाहे वो ईवी की हो, IoT की हो, या कॉपर मैन्युफैक्चरिंग, कॉपर वायर मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है गाइस, कॉपर वायर मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह नाम है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत पैसे है, लोग बहुत पैसे बना भी रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री में भी बहुत आगे जा सकते हैं, इस इंडस्ट्री में भी बहुत पैसा है। इन चीजों को समझना पड़ेगा। जब तक आप इन चीजों को समझोगे नहीं, जब तक आप इन चीजों को यूटिलाइज नहीं करोगे, तब तक शायद आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा और उस पाइपलाइन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि उस पाइपलाइन के साथ कैसे आगे बढ़े। तो गाइस देखो, ऐसा नहीं कि आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते, ऑब्वियसली यू हैव अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी कि आप अपने करियर को धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर के जाए। तो आपको अपने करियर को भी तो ब्रेक इवन करना पड़ेगा कि कहां जाए, किस डायरेक्शन में जाए, इलेक्ट्रिकल का कौन सा फील्ड है जो IITians को ले रहा है, जो NITs को ले रहा है, जो नॉर्मल लोगों को ले रहा है, उस फील्ड में जाए। ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां, कॉपर वायर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां, LED मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी बड़ी कंपनियां, उसके अलावा फिर IoT हो गया, EV हो गया, उसके अलावा और भी कई सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिमांड है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, फिर वो अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आपको आगे जाना पड़ेगा। गाइस मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना, अब आपका काम है अपने करियर को चूज करके उस डायरेक्शन में लेकर के जाना। जब आप अपने करियर को उस डायरेक्शन में ले जाओगे, तभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर अड्डा चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।